एक गांव में राम अवतार नाम का एक पंडित अपनी पत्नी गीता और बेटी पूजा के साथ रहा करता था। वो काफी गरीब था। पंडित गांव में बने लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पुजारी था। दिन रात भगवान की पूजा करना और मंदिर की सेवा करना पंडित को बहुत भाता था। पंडित की बेटी पूजा भी लक्ष्मी माता की भक्ति में थी। वो भी लक्ष्मी जी की पूजा पाठ में लगी रहती थी। मंदिर में चढ़ावे के रूप में आए फल और पैसों से ही पंडित के परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन पंडित जब मंदिर से घर लौटा तो वो अपनी पत्नी गीता से बोला, गीता, ये लो आज का चढ़ावा। आज मंदिर में कुछ कम चढ़ावा आया है। अरे पंडित जी, हम लोग मंदिर के चढ़ावे के सहारे कब तक जीवन गुजारेंगे? आप हर समय भगवान जी की सेवा में ही लगे रहते हो। अपने घर की तो कोई चिंता ही नहीं है आपको। हमारी पूजा अब जवान हो गई है, इसकी शादी के बारे में तो कुछ सोचो। अरे तुम इसकी शादी की चिंता क्यों कर रही हो? भगवान ने हमें बेटी दी है तो वही इसकी शादी का प्रबंध भी करेंगे। माँ, पिताजी ठीक कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखो। समय आने पर लक्ष्मी माँ की कृपा से सारे काम आसान हो जाएंगे। जैसा बाप वैसी बेटी, तुम दोनों को जरा भी दुनियादारी की समझ नहीं है। सारी जिम्मेदारी भगवान की ही नहीं होती, अरे हम इंसानों को भी तो कुछ करना होता है। गीता का ताना सुनकर पंडित नाराज हो गया और घर से निकलकर मंदिर चला गया। इसी दिनचर्या के साथ कुछ महीने बीत गए। एक दिन की बात है, पंडित जी प्रसाद के फल लेकर मंदिर से घर लौट रहे थे कि रास्ते में एक जहरीले सांप ने पंडित जी को डस लिया और पंडित जी की तुरंत ही मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने पंडित के पार्थिव शरीर को उठाकर उनके घर पहुंचा दिया। गीता और पूजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया? पिताजी, पंडित जी की मृत्यु का समाचार सुनकर दूसरे गांव से उनका बड़ा भाई और भाभी भी आ गए। फिर पंडित जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना को घटे कुछ दिन बीत गए। पंडित जी की मृत्यु के बाद घर की हालत और भी खराब हो गई। गीता के लिए घर का खर्चा चलाना दूभर हो गया तो पूजा के ताऊ जी अपने पैसों से घर का खर्चा चलाना शुरू कर देते हैं। पूजा के ताऊ और ताई बेहद ही लालची और दुष्ट स्वभाव के लोग थे। एक दिन पूजा की ताई पूजा के ताऊ से कहती हैं, क्यों जी, हम कब तक इन माँ बेटी को अपने पैसे खर्च करके पालते रहेंगे? हमने क्या इन दोनों के पालने का ठेका ले रखा है? अब चलो अपने घर को। अरे भाग्यवान, तू मूर्खों वाली बातें क्यों करती है? अरे मैं तो इस घर को अपने कब्जे में करने की सोच रहा हूँ और तू यहाँ से जाने की बातें कर रही है। आपके मन में इस घर को हड़पने की क्या योजना है, जरा साफ साफ बताओ ना। अरे कान इधर कर, कान की बातें कान में ही बतानी चाहिए, नहीं तो दीवारें भी सुन लेती हैं। ताऊ ताई के कान में अपनी योजना बता देता है और ताई योजना सुनकर खुश हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद पूजा माँ लक्ष्मी की और भी ज्यादा भक्ति करने लगी थी। वो हर रोज माँ लक्ष्मी से एक ही प्रार्थना करती। हे माँ लक्ष्मी, मेरे पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए, अब आपके सिवा मेरा और मेरी माँ का कोई सहारा नहीं है। आप तो संसार की पालनहार हो, हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। फिर एक दिन की बात है,
पूजा के ताई और ताऊ पूजा की माँ गीता से उसकी शादी की बात करते हैं। देख गीता, अब पूजा शादी के लायक हो गई है। मेरे विचार से अब हमें तुरंत इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ जेठानी जी, मुझे भी पूजा की शादी की बहुत चिंता है, मगर मैं क्या करूं? ना तो मेरे पास गहने हैं, ना पैसे। मैं इसकी शादी करूं तो कैसे करूं? अरे तू पूजा की शादी की चिंता मत कर, हम इसके ताऊ ताई हैं ना, इसकी शादी कराना अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं जल्दी ही कोई भला सा लड़का तलाश करके पूजा की शादी करवा दूंगा, बस तू चिंता मत कर। हाँ, जेठ जी, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। हाँ। अरे उपकार कैसा, पूजा मेरी भतीजी है, इसकी शादी करना मेरा कर्तव्य है कि नहीं है? गीता को शादी के लिए संतुष्ट करने के बाद ताऊ ताई अपने गांव जाकर एक 65 बरस के बूढ़े से मिलते हैं। बूढ़े का नाम प्रेम सिंह होता है। ये बूढ़ा प्रेम सिंह काफी अमीर और रंगीले स्वभाव का आदमी था। प्रेम सिंह की 3 पत्नियां पहले ही मर चुकी थीं। अब प्रेम सिंह चौथी शादी करने की फिराक में था। ताऊ प्रेम सिंह से कहता है, प्रेम सिंह जी, यदि तुम मुझे 4 लाख रुपए दे दो तो मैं अपनी 19 साल की भतीजी पूजा से तुम्हारा ब्याह करवा दूंगा। देखो भाई, तुम शादी और पैसों की बात तो बाद में करना, अब पर पहले जरा मुझे लड़की का फोटो तो दिखाओ। लड़की मेरी पसंद की होगी तभी तुम्हें शादी करूंगा। ताऊ अपने मोबाइल में पूजा की फोटो प्रेम सिंह को दिखा देता है। फोटो देखकर प्रेम सिंह खुश होकर कहता है, अरे वाह 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 वाह, लड़की तो मुझे बहुत पसंद है, मैं अभी तुम्हें 4 लाख रुपए दे देता हूँ। प्रेम सिंह 4 लाख रुपए ताऊ को दे देता है। अरे वाह 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 वाह, प्रेम सिंह जी, 2 दिन बाद बुधवार है, बुध को हर कार्य शुद्ध होता है, बुधवार के दिन मंदिर में मैं आपकी शादी करा दूंगा, आप दूल्हा बनने की तैयारी कीजिए बस। उसके बाद ताऊ ताई वहां से चले जाते हैं और रास्ते में आपस में बातें करते हैं। अरे भाग्यवान, देखा तूने मेरी दुष्ट बुद्धि का कमाल, 4 लाख रुपए तो मैंने पूजा की शादी से ही कमा लिए, और अब शादी कराने के बाद गीता से उसका घर भी मैं अपने कब्जे में ले लूंगा। अरे वाह पंडित जी, आपकी चतुराई का भी जवाब नहीं। फिर 2 दिन बाद बुधवार आ गया। गीता और ताई ने पूजा का श्रृंगार करके उसे दुल्हन बनाया और लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर लेकर गईं। रास्ते में ताई पूजा को कहती हैं, देख पूजा बिटिया, तेरे ताऊ जी ने तेरे लिए बहुत ही भला और सुंदर लड़का तलाश किया है, तू अपने ससुराल में ऐश करेगी ऐश। हाँ। तीनों मंदिर पहुंचती हैं, जहां ताऊ जी दूल्हे प्रेम सिंह और पंडित जी के संग पहले से ही मौजूद थे। जब पूजा और गीता बूढ़े दूल्हे को देखती हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। पूजा गुस्से में कहती है, ताऊ जी, आपने मेरे लिए ये बुढ़ा वर तलाश किया है, मैं इस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। अरे ऐसे कैसे शादी नहीं करेगी तू भला है? अरे क्या कमी है इस दूल्हे में, इसने तुझसे शादी करने के लिए 4 लाख रुपए दिए हैं मुझे, तुझे शादी तो करनी ही होगी और वो भी इसी से। अरे तुझ भिखारन से शादी करने के लिए कोई राजकुमार तो आने से रहा, चुपचाप इसके साथ फेरे ले ले, नहीं तो तुम दोनों माँ बेटी को जान से मार डालूंगी। पूजा अपनी माँ की तरफ बेबसी से देखती है। गीता कहती है,
जेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी पे ऐसा अत्याचार मत कीजिए। देख गीता, मेरा फैसला अटल है, अटल। पूजा बेबस होकर रोने लगती है और माँ लक्ष्मी से गुहार लगाने लगती है। हे माँ लक्ष्मी, मुझ गरीब अबला की रक्षा करो। माँ, अगर मेरी भक्ति में कोई खोट नहीं है तो मेरी भक्ति की लाज रख लो और इन दुष्टों से मुझे बचा लो माँ। अरे तू इतनी बड़ी भक्तिनी नहीं है जो तेरी पुकार सुनकर देवी लक्ष्मी तेरी रक्षा करने के लिए यहाँ प्रकट हो जाएंगी। तभी चमत्कार होता है, लक्ष्मी जी वहाँ प्रकट होती हैं और ताई ताऊ और प्रेम सिंह को दंडित करती हैं। फिर वो कहती हैं, ये मेरी सच्ची भक्तिनी है, इसके साथ किसी ने अत्याचार करने की चेष्टा की तो मैं उसका वध कर दूंगी। पुत्री पूजा, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा विवाह मैं स्वयं एक अच्छे लड़के से करवाऊंगी। लक्ष्मी जी एक साधारण स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और मोबाइल पर पुलिस का 102 नंबर डायल करके पुलिस को वहां पर बुलाती हैं। थोड़ी देर बाद नौजवान इंस्पेक्टर पवन कुमार दो सिपाहियों के साथ मंदिर में आता है और स्त्री रूप में लक्ष्मी जी इंस्पेक्टर को सारी बात बता देती हैं। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, सिपाहियों, इन तीनों धोखेबाजों को अरेस्ट कर लो। सिपाही तीनों लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर लक्ष्मी जी इंस्पेक्टर से कहती हैं, बेटा, ये लड़की बहुत ही धार्मिक, गुणवान, सुशील और गरीब है। अगर ये तुम्हें पसंद हो तो तुम इससे शादी कर लो। माताजी, मुझे ऐसी ही सुंदर और गुणवान लड़की की तलाश थी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आज मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल ही गई। मैं इसके संग शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ लक्ष्मी के संरक्षण में पूजा और पवन कुमार की शादी हो जाती है। माँ लक्ष्मी पूजा को आशीर्वाद देती हैं, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, सदा सुखी रहो, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे। आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी मंदिर के अंदर चली जाती हैं और स्त्री रूप त्याग कर अपने असली रूप में आकर लक्ष्मी जी की प्रतिमा के अंदर समा जाती हैं। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी विफल नहीं जाती, तभी तो पूजा की पुकार सुनकर माँ लक्ष्मी उसकी रक्षा के लिए दौड़ी चली आई, दुष्टों को दंड दिया और पूजा की शादी भी करवाई। पूजा को उसकी भक्ति का फल मिल गया। मदन एक गरीब आदमी था, मजदूरी का काम करके पैसे कमाता था, लेकिन दिन भर की कड़ी मेहनत करने पर भी वो बहुत थोड़े पैसे ही कमा पाता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। लेकिन अगर किसी दिन मदन को कोई काम नहीं मिलता था तो उस दिन उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता था और उस दिन मदन के परिवार को बची खुची रोटी खाकर ही सोना पड़ता था। दिवाली के एक दिन पहले मदन की पत्नी कमला मदन से कहने लगी, सुनो जी, कल दिवाली है और घर में ना कुछ राशन है ना पैसे, अगर कहीं से थोड़े पैसों का इंतजाम हो जाता तो मैं बच्चों के लिए हलवा पूड़ी बना दूंगी, बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे। अरे कमला, मैं कहां से लाऊं पैसे, पिछले 2 दिनों से मैं लगातार दुकानदारों के पास जा रहा हूं लेकिन कहीं भी मजूरी का काम नहीं मिल रहा। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा जरूर होगी, आज तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, तुम देखना।
तभी वहां मदन की बेटी सपना आकर कहती है, बापू बापू, पायल के बापू ने पायल को फुलझड़ी का पूरा डिब्बा ला कर दिया है, तुम भी मुझे फुलझड़ी ला कर दो ना। मदन मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे क्या इस बार दिवाली नहीं मना पाएंगे? मेरे बच्चों पर कृपा करो प्रभु, आज मुझे कुछ न कुछ काम दिलवा ही दो, ताकि मेरे बच्चे भी और बच्चों की तरह दिवाली मना सकें। उसके बाद मदन घर से निकलकर बाजार की तरफ काम ढूंढने निकल पड़ा। मदन बाजार में कई दुकानदारों से काम के बारे में पूछता है, मगर कोई भी मदन को काम नहीं देता। काम की तलाश में भटकते भटकते मदन को शाम हो गई। फिर मदन एक सेठ के पास पहुंचता है। सेठ उस समय दुकान को ताला लगा रहा था। मदन सेठ से कहने लगा, सेठ जी, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? कैसा काम चाहिए तुम्हें भैया? कोई भी, कैसा भी काम हो, जिसे करके मुझे कुछ मजदूरी मिल जाए और मैं अपने बच्चों को दिवाली मनवा सकूं। देखो भाई, कल तो दिवाली है, इसलिए मेरी दुकान तो कुछ दिन बंद रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूं, जिसके बदले में मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा। बताइए बताइए, क्या करना होगा मुझे सेठ जी? तुम ऐसा करो, मेरा ये कार्ड रख लो, कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं कल ही तुम्हें काम समझा दूंगा। मदन को काम मिलने की कुछ तसल्ली हो गई और वो वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में आते हुए एक तेज रफ्तार से जाती हुई कार मदन को टक्कर मारकर चली जाती है। मदन की एक टांग काफी जख्मी हो जाती है। आ, आ, मर गया रे, लगता है मेरी तो एक टांग ही टूट गई। हे भगवान, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? हाय रे, हाय रे, मर गया। तभी वहां एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाता है। ऑटो वाला दयालु व्यक्ति था। वो सड़क पर जख्मी पड़े मदन को देखकर ऑटो रोक लेता है और मदन से कहता है, अरे भैया, लगता है तुम्हें कोई वाहन टक्कर मारकर भाग गया। तुम्हारे पाँव में भी चोट लगी है। तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊंगा। तुम मुझे लेकर चलो भैया, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ऑटो वाला मदन को अपने ऑटो में बिठाकर चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में मदन को उसके घर छोड़कर वापस चला जाता है। मदन को घायल अवस्था में देखकर कमला और दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। अरे क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया, और तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? रुको, मैं चोट पर मरहम लगा देती हूँ। अरे क्या बताऊं कमला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तभी तो ये चोट लग गई। कमला मदन की चोट पर मरहम लगाती है। मदन कमला को सारी बातें बता देता है और सेठ का कार्ड कमला को देता है। सुनो कमला, मेरी जगह तुम इस पते पर काम करने चली जाना, 1,000 रुपए मिल जाएंगे तो हमारे बच्चे भी दिवाली मना लेंगे। ठीक है, मैं कल सुबह सेठ के घर चली जाऊंगी। अगले दिन दिवाली थी। कमला सुबह होते ही सेठ जी के घर पहुंच गई और सेठ से कहने लगी, नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, तुम कौन हो भाई, क्या लेने आई हो? सेठ जी, कल आपने कुछ काम करवाने के लिए मेरे पति को आज घर पर बुलाया था, पर दुर्भाग्य से कल ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उनकी जगह मैं आपका काम करने आई हूँ। अरे ठीक है भाई, तुम मेरा काम करो या तुम्हारा पति, मुझे तो काम कराने से मतलब है। तो बताइए सेठ जी, क्या काम करना है?
देखो भाई, आज रात को मेरी हवेली में दिवाली की पार्टी है। नौकर तो सब छुट्टी पर चले गए, तुम हवेली के बगीचे की साफ सफाई कर दो। पार्टी बगीचे में ही होगी। ठीक है सेठ जी, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। कमला बगीचे की साफ सफाई करने में जुट गई। तभी वहां पर सेठानी और उनका इकलौता बेटा राहुल, जो कि 8 साल का था, आ जाते हैं। सेठानी कहती है, सुनो, बगीचे की सफाई करने के बाद काफी सारे बर्तन भी धोने हैं और मिठाई के डिब्बे भी पैक करने हैं। चिंता मत कीजिए सेठानी जी, मैं सारा काम जल्दी ही निपटा दूंगी। माँ, मैं बगीचे में आपके साथ खेलूंगा। नहीं राहुल, मुझे बहुत सारे काम है, तुम अकेले ही खेल लो। राहुल बगीचे में बॉल से खेलने लगा और सेठानी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल चलाने लगी। तभी पता नहीं कहां से एक सांप आकर खेलते हुए राहुल के पांव में डस लेता है। राहुल जोर से चीखता है, आ, मा, मा, मेरे पांव में सांप ने डस लिया। हाय हाय, मेरे लाल को सांप ने डस लिया। अरे अरे, कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई है। सेठानी रोती पीटती राहुल को गोद में लेकर मचलने लगती है। राहुल के मुंह से झाग निकलने लगते हैं और राहुल बेहोश होने लगता है। कमला भी सफाई करनी छोड़कर राहुल के पास आ जाती है। अरे कमला, जल्दी से सेठ जी को बुला, वो राहुल को अस्पताल ले जाएंगे, इसे जहरीले सांप ने काट खाया है। सेठानी जी, राहुल को अस्पताल ले जाने का समय नहीं है, मैंने देखा है वो सांप बहुत जहरीला था। मैं सांप का जहर उतारना जानती हूँ, मैं अभी राहुल का जहर उतार देती हूँ। हाँ, उतार दे बहन, उतार दे, तेरा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। कमला अपने मुंह से चूस चूस कर राहुल के शरीर से सांप का सारा जहर बाहर निकाल देती है और राहुल ठीक होकर होश में आ जाता है। तब तक सेठ जी भी वहां आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ सेठानी, और ये राहुल के चेहरे पर हवाइयां सी क्यों उड़ रही हैं? सेठ जी, हमारे राहुल को सांप ने डस लिया था। और फिर सेठानी सेठ को सारी बात बता देती है। सेठ जी सेठानी से कहते हैं, शुक्र है भगवान का। भाई सेठानी, आज दिवाली के दिन हमारे बेटे पर इतनी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन इस गरीब कमला ने अपनी जान पर खेलकर हमारे बेटे की जान बचाई। हमें इसको धन्यवाद कहना चाहिए और इसे कुछ उपहार भी देना चाहिए। सेठ जी 20,000 रुपए कमला को देते हैं और सेठानी बहुत सी मिठाई, कपड़े और पटाखे कमला को देकर कहती हैं, कमला बहन, ये सब कुछ तुम्हारा दिवाली का उपहार है, तुम भी आज अपने बच्चों के साथ धूमधाम से दिवाली मनाना। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमला अपने घर आ जाती है और मदन को सारे उपहार व पैसे देकर सारी बात विस्तार से बताती है। फिर रात हो जाती है, कमला और बच्चे पूजा करने बैठ जाते हैं। फिर पूजा के बाद पूरा परिवार मिलकर मिठाइयां खाता है और पटाखे छुड़ाकर धूमधाम से दिवाली मनाता है। माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जिस पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, उसके जीवन में फिर कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि संतान, धन, वैभव, स्वास्थ्य और सौभाग्य माता लक्ष्मी ही प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर भी पड़ जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ही एक पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक पर विचरने का मन बनाया और विष्णु जी अपनी यात्रा की तैयारी करने लग गए। अपने स्वामी को तैयार होते देखकर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? देवी लक्ष्मी, आज मेरा मन कुछ उदास है,
इसीलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जाना चाहता हूँ। स्वामी, यदि आप यहाँ से भ्रमण के लिए चले गए तो आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। ठीक है देवी लक्ष्मी, तुम भी चलो, परंतु तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आज्ञा दें प्रभु। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर कदापि नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की अनोखी शर्त मान ली। फिर उसके बाद दोनों देवलोक से धरती की ओर प्रस्थान कर गए। ये प्रातः काल का समय था। सूर्य कुछ ही देर पहले उदय हुआ था। रात बारिश भी हुई थी, मंद मंद हवा चल रही थी। इस समय धरती का मौसम बड़ा ही सुहावना हो रहा था। चारों ओर मनमोहक हरियाली को देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की शर्त को भूल गईं। धरती की सुंदरता को देखते देखते माता लक्ष्मी कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में सुंदर फूलों का एक खेत था, जिसे देखकर माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। अति सुंदर, धरती का वातावरण कितना मनमोहक है, और ये रंग बिरंगे फूलों से भरा खेत, कितना सुंदर लग रहा है। क्यों ना मैं इस खेत से एक फूल ही तोड़ लूं। और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे खेत में चली जाती हैं और एक फूल तोड़ कर ले आती हैं और भगवान विष्णु को फूल दिखाकर कहती हैं, देखिए स्वामी कितना सुंदर फूल है। देवी लक्ष्मी, इस फूल की लालसा ने आपने मुझे दिया हुआ अपना वचन तोड़ दिया ना। आपको उत्तर दिशा की ओर कदापि नहीं देखना था, परंतु आपने देख लिया और साथ ही साथ खेत के मालिक से बिना पूछे आपने एक फूल भी तोड़ लिया। ये तो चोरी है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे अनजाने में ये भूल हो गई प्रभु। मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता देवी, आपने जो ये भूल की है इसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब आपको दंड स्वरूप इस खेत के मालिक के घर में 3 वर्ष रहकर मालिक के घर की चाकरी करनी होगी। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुला लूंगा। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। माता लक्ष्मी ने सर झुकाकर अपना दंड भोगना स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। फिर माँ लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया और माली के घर की ओर चल पड़ी। खेत का मालिक माधव नाम का एक माली था। माधव के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी मिलकर फूलों के खेत में काम करते थे और फूल बेचकर घर का गुजारा चलता था। खेत से थोड़े ही फासले पर माधव की झोपड़ी थी। माँ लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर आ जाती हैं और माधव से कहती हैं, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं अनाथ और गरीब लड़की हूँ। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, आप मुझे अपने घर में आसरा दे दो। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी और घर के सारे काम कर दिया करूंगी। माधव बड़ा ही दयालु आदमी था। लड़की रूपी माँ लक्ष्मी पर माधव को दया आ जाती है और माधव लड़की से कहता है, बिटिया मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ, मेरी कमाई बहुत थोड़ी है, जिससे मेरे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। हम रूखा सूखा खाकर गुजारा कर लेते हैं, यदि तुम भी रूखा सूखा खा सको तो फिर तुम मेरे घर में रह सकती हो। बाबा, आपने मुझ अनाथ पर दया करके मुझे आश्रय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और फिर माँ लक्ष्मी माधव के घर में ही रहने लगती हैं। माँ लक्ष्मी घर की साफ सफाई भी करती, बर्तन भी मांजती और कपड़े भी धोकर सुखाती। माधव की पत्नी भी माँ लक्ष्मी के काम से खुश होती थी। माँ लक्ष्मी के आ जाने से माधव के काम और कमाई में भी आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ोतरी हो गई थी और माधव एक गाय भी खरीद लाया था। तो माधव की पत्नी कहती है, अरे वाह, आप तो गाय भी खरीद लाए, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब हमारे सारे बच्चे और हम दूध ही खा पाएंगे। अरे ये तो सब माता लक्ष्मी की कृपा हुई है। आजकल मेरे फूलों का काम काफी बढ़िया चल रहा है। माता लक्ष्मी माधव की बात सुनकर मन में सोचती हैं, माधव मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, ये सब तुम्हारी मानवता और दयालु स्वभाव का फल है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुमने खुद गरीब होते हुए भी मुझे गरीब लड़की मानकर अपने घर में शरण दी, तुम महान हो माधव। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और माधव को फूलों के काम में काफी अच्छी आमदनी होने लगती है। माधव कुछ खेत और खरीद लेता है और अपने घर को पक्का बनवा लेता है। अब माधव के पास सुख समृद्धि और धन सभी कुछ था। माता लक्ष्मी माधव के घर के साथ साथ माधव के खेतों में भी काम करवा दिया करती थी। एक दिन की बात है, माधव की पत्नी फूलों के खेत में काम करते करते थक कर बैठ जाती है तो माँ लक्ष्मी वहाँ आकर कहती हैं, माई आप थक गई हैं, मैं आपके पांव दबा दूं, आपकी थकान दूर हो जाएगी। तू कितने प्यारी है लक्ष्मी, मेरा कितना ख्याल रखती है तू। और माधव की पत्नी लेट जाती है, माँ लक्ष्मी उसके पांव दबाने लगती हैं। इसी प्रकार कुछ महीने और गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, माधव अपने घर में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तभी उसकी पत्नी आकर पूछती है, क्या बात है जी, किस सोच में खोए हुए हो? अरे भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ, पहले हम सब मिलकर अपने खेत में कमर तोड़ मेहनत किया करते थे, फिर भी दो जून की रोटी ढंग से नहीं मिल पाती थी। लेकिन देखो, जिस दिन से लक्ष्मी बेटी हमारे घर में आई है, तब से हमारे वारे न्यारे हो गए हैं। हमें लक्ष्मी के भाग्य से ही ये सब कुछ मिला है। आप ठीक सोच रहे हो जी, ये लक्ष्मी बड़ी प्रतिभावान और भाग्यशाली है। अब ये हमारी ही तो बेटी है, इसलिए हम लक्ष्मी की शादी किसी ऊंचे परिवार में करेंगे। हाँ हाँ, जरूर करेंगे, ये तो हमारा कर्तव्य है। और इसी तरह समय बीतते बीतते पूरे 3 वर्ष गुजर जाते हैं। एक दिन माँ लक्ष्मी गमलों में पानी डाल रही होती हैं कि तभी उन्हें देवयोग से भगवान विष्णु की आवाज सुनाई देती है। देवी लक्ष्मी, आपके दंड के 3 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं, आपका दंड भी पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब आप वापस बैकुंठ में लौट आइए। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माधव अपने फूलों के खेतों पर नजर मारकर अपने घर आता है और घर के द्वार पर साक्षात लक्ष्मी जी को बैठी हुई देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे ये तो मेरी मुंह बोली बिटिया लक्ष्मी जैसी लग रही है, लेकिन इसके मुख पर देवियों जैसा तेज और आभा कैसे आ गई? हे भगवान, ये तेरी क्या लीला है? मुझे देखकर उलझन में मत पड़ो माधव, मैं सत्य में देवी लक्ष्मी ही हूँ। तभी अंदर से माधव की पत्नी और बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और वो भी लक्ष्मी जी को साक्षात रूप में देखकर हैरान रह जाते हैं। माधव हाथ जोड़कर कहने लगता है, हे माता लक्ष्मी, हम आपको कभी पहचान नहीं पाए, हमने अनजाने में आपसे घर और खेतों में काम करवाया, हमसे बहुत पाप हो गया माता, हमें क्षमा कर दो। हे माता, मैंने आपसे बहुत सेवा करवाई है
और आपको रूखा सूखा ही खाने को दिया है। मुझे भी क्षमा कर दो मैया। नहीं माधव, तुमने कोई पाप नहीं किया और ना ही तुम्हारी कोई गलती है। तुम और तुम्हारा परिवार तो बड़ा ही सज्जन और दयालु है। तुमने 3 वर्षों तक मुझे एक अनाथ लड़की समझकर अपने घर में आश्रय दिया और अपनी बेटी की तरह मुझे स्नेह दिया। तुम लोग तो मेरी कृपा दृष्टि के पात्र हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जीवन भर तुम लोगों को धन और खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी। माधव के परिवार को वरदान देकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए उड़न यान में बैठकर अपने स्वामी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार इस अलौकिक घटना के बाद माता लक्ष्मी की परम भक्ति करने लगता है।